सुबह की हमारी अधूरी चाय को पूरा करने में खारी बिस्किट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्या आप खारी बिस्किट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं? खारी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में मैदा, घी, बेकिंग सोडा जैसे कई इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को दूसरी मशीन में डालते हैं, जो इस मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट पर फैलाने का काम करती है। फिर एक कर्मचारी द्वारा इस लेयर को चौकोर आकार में काट दिया जाता है। इसके बाद दूसरी मशीन की मदद से इसे खारी बिस्किट के आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर आखिर में इन्हें ओवन की मदद से बेक किया जाता है, जिसके बाद यह खारी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। स्क्वायर के अलावा इन खारी को कई अलग अलग शेप्स में भी बनाया जा सकता है। खारी तैयार होने के बाद इन्हें प्लास्टिक के पॉलिथीन में पैक कर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अलग अलग बेकरी शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।